हनुमान जयंती की शोभा यात्रा से पहले दिल्ली, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र में अलर्ट, बंगाल में केंद्रीय बलों की हुई तैनाती। आखिरकार जहांगीरपुर में भी निकलेगी हनुमान जयंती की शोभा यात्रा, विश्व हिंदू परिषद की चेतावनी के बाद बदला फैसला। जहांगीरपुर में शोभा यात्रा की अनुमति मिलने के बाद इलाके में तनाव, पूरे इलाके में हर जगह पुलिस ही पुलिस। कुछ देर पहले पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। हनुमान जयंती के त्योहार को लेकर केंद्र ने सभी राज्यों को किया अलर्ट, कानून व्यवस्था बनाए रखने का दिया आदेश। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म विभूषण से किया सम्मानित। नेताजी के बेटे अखिलेश यादव को मिला ये पुरस्कार। हनुमान जयंती से पहले महाराष्ट्र के अहमदनगर में बवाल, बीती रात दो गुटों में पत्थरबाजी के बाद हुई आगजनी, 19 लोग गिरफ्तार। बंगाल में तनाव के बीच विश्व हिंदू परिषद का बड़ा ऐलान, बंगाल में हनुमान जयंती के दिन 500 कार्यक्रम करने का किया ऐलान। बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा, जीवेश मिश्रा को मार्शल ने टांगकर सदन से बाहर निकाला, बीजेपी एमएलए बोले सीएम से एक जवाब ही तो मांगा था। पुलिस की पूछताछ में अतीक के नौकर का बड़ा खुलासा, अतीक की पत्नी शाइस्ता ने ऑफिस में दिए थे पैसे और हथियार। उमेश पाल हत्याकांड में एक्शन जारी, अतीक के बेटे के दो मददगार हिरासत में लिए गए, हैदराबाद से पकड़े गए दोनों मददगार। मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से लगा बड़ा झटका, 17 अप्रैल तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। अतीक के घर से मिले डायरी से बड़ा खुलासा, एक राजनीतिक दल को दिसंबर जनवरी में लाखों की फंडिंग करने की खबर आई सामने, डायरी में 25 लाख देने के साथ पार्टी के कोऑर्डिनेशन का नाम दर्ज। कर्नाटक में मुस्लिम युवक को हिंदू लड़की से बात करना पड़ा भारी, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बेरहमी से पीटा युवक, अस्पताल में भर्ती। यूपी में 12वीं कक्षा के सिलेबस से मुगल इतिहास के चैप्टर हटाने पर एनसीईआरटी चीफ ने दी सफाई, बच्चों पर बोझ कम करना था इसलिए दोहराव वाली चीजें हटा दी गई। यूट्यूबर मनीष कश्यप की नहीं थम रही मुश्किलें, अब न्यायिक हिरासत 19 अप्रैल तक बढ़ी। बिहार हिंसा पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का बयान, बोली बीजेपी और आरएसएस के लोग सब कुछ करवा रही। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष की गिरफ्तारी और उसके बाद बिगड़े हालात पर पीएम मोदी से जेपी नड्डा और अमित शाह ने की मुलाकात, आज तेलंगाना जाएंगे पीएम मोदी। एआईएमआईएम ओवैसी ने नीतीश कुमार पर किया हमला, बोले मैंने सवाल पूछा तो एजेंट कह रहे मुआवजे की मांग की। बिहार हिंसा पर बीजेपी पर नीतीश कुमार ने लगाए आरोप, कहा बिहार में दो लोग इधर उधर कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, पिछले 24 घंटों में आए 500 से ज्यादा नए केस, एक की मौत। ट्रेन में आग लगाने वाला आरोपी शाहरुख सैफी महाराष्ट्र से गिरफ्तार, चलते ट्रेन में पेट्रोल डालकर 3 को जिंदा जलाने का आरोप। पूरी सभा में आदित्य ठाकरे ने शिंदे की नकल की, लोगों ने वंस मोर के लगाए नारे, आदित्य ने कहा वंस मोर नहीं, ऐसे लोगों को फिर से नहीं मिलता मौका। भारतीय शेयर बाजार में दिखी तेजी, सेंसेक्स 58,698.31 अंक पर तो वहीं निफ्टी 17,557.05 अंक पर हुआ बंद। हमारा नाम मिटाने चले, मेरा नाम आदित्य रश्मि उद्धव ठाकरे है, सामने आओ तुमको तुम्हारा नाम भुला देंगे, आदित्य ने शिंदे गुट पर शायराना अंदाज में साधा निशाना। देश में फिर डरा रहा कोरोना, 24 घंटे में ही 4,000 के पार हुए नए मामले, एक्टिव केस बढ़कर 4 दिनों में मौतों की रफ्तार 200% से बढ़ी।